शुक्रिया दीपक सर। और आखिरी मैच ये सुपर बॉय क्वालिफाई की ये मैच है, तो फिलहाल मैदान के अंदर मैच चलेगा। उदय गाउठान बनाम उनके अपोजिट टीम है अमोल नीरज 11 उलवे टीम। तो गेंदबाजी की बागडोर संभाल रहे इस बार देखा जाए तो, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी बनारस टीम के खिलाफ। बॉल दीजिए अंपायर को। गौदे गाउठान टीम पहले गेंदबाजी कर रहे, सभी लोग टकटकी के साथ देख रहे। बहुत ही शानदार सुमधुर जानदार आयोजन नियोजन, आखिरी मैच है और इस मैच के बाद आज का दिन होगा खत्म। लेकिन सुपर फोर क्वालिफाई में कौन सी टीम जाएगी, उलवे या गाउठान, गाउठान या उलवे, वक्त बताएगा। दोनों सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए आ चुके हैं और सोहेल गेंदबाजी की बाउंडर संभालने के लिए कोठे का पहला ओवर, पारी का पहला ओवर। अजित मुंगाजी और उनके साथीदार मनीष गरत पहली गेंद और इस बार इनसाइड एज लगी है, गेंद पीछे डिक्लेयर स्पॉट में, वन सिंगल मिलेगा। खाता खुद का ओपन, टीम का भी खाता ओपन। अभी तक 11 गेंदों का खेल शेष, इस ओवर की 5 गेंदें अभी तक शेष है। दूसरी ओर सोहेल की अगली बॉल और ये उड़ती हुई गेंद चली गई शाम के टाइम के ऊपर, प्रजापति बिल्डिंग में लंबा छक्का और देखिए कड़क बाजी की थी लेकिन 6 के साथ स्कोर आ गए 7 के घर में। और मैच का आनंद सभी लोग देख रहे हैं क्योंकि ये मैच इंपॉर्टेंट है, सुपर फोर क्वालिफाई की मैच है। लेकिन विशाल जितेकर जी और किरण जी पवार पंखे के नीचे ठंड हवा, सेवन पे स्कोर है। सोहेल उड़, सोहेल बाहर, शाम के टाइम के ऊपर इंजन गर्म हो रहा है मनीष का और ऐसी मारधार हो रही है कि मानो गेंदबाज के हौसले पंख ही ढीले हो चुके हैं। और स्कोर आगे बढ़ता है, स्कोर 13। आप देखिए इस बार देखा जाए यहाँ मनीष की जो बल्लेबाजी चल रही है घातक चल रही है, बैक टू बैक उन्होंने 2 छक्के ठोक दिए और ये भी बाहर। ये मनीष शाम के टाइम के ऊपर देखिए किस तरह से इस आरंभिक गेंदबाज के ऊपर मानो ऐसा हमला चढ़ाया है, मानो जैसे रन मशीन से इस बार देखा गोली निकल जाती है रन मशीन से, उस तरह से शॉट। 3 छक्के ठोक दिए और वो भी बैक टू बैक और सोहेल जैसे गेंदबाज के इस बार देखा जाए नट बॉल ही ढीले किए हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, देखिए कहने गए कि ये गेंद इस बार देखा जाए वो यॉर्कर का पिछले ओवर में उन्होंने बढ़िया करिश्मा किया था इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार नाना जी ये गेंदबाजी थोड़ी कर रहे हैं वो इतनी खासी नहीं चल रही है। लेकिन मनीष गरत वाड़ा बल्लेबाजी खूंखार मोड में आया है और इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा जरूर लग चुका था लेकिन विकेट कीपर के हाथों में गेंद। अमोल नीरज 11 उलवे टीम का स्कोर है 19 बगैर नुकसान पे। आखिरी गेंद शेष इस फर्स्ट ओवर की, और ये गेंद इस बार देखा जाए खुद मनीष ही सरेंडर हो चुके
और आउट करार दिया अंपायर ने। पहला झटका उल्वे टीम को, मनीष तीन छक्के ठोक के इस महत्वपूर्ण मैच में महत्वपूर्ण जोरदार एक स्टैंडर्ड मैन भूमिका निभाई और वो बैक टू द डग आउट जा रही। ये लो तीन छक्के उनके बल्ले से आए, 18 रन बना के वापस, 19 एक विकेट के नुकसान पे। और आखिरी पारी के 6 गेंदे, कुणाल मढ़वी तैयार है बॉलिंग ट्रैक के ऊपर, मैन बम चीर ले और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके हैं। सूर्या मास्कर, एक सूर्या ने कैच पकड़ा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, बैटिंग नहीं हुई लेकिन कैच नानाजी पकड़ने के बाद इतने लोकप्रिय वो कैच टर्निंग पॉइंट। और दक्षिण अफ्रीका आज भी 1999 से भुगत रही है, वर्ल्ड कप उनके खेमे में नहीं है। ऑन साइड के ऊपर पुल कर दिया, बैक फुट जाकर एक सिंगल जरूर मिलेगा, डिप्स करने के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, सिंगल जरूर मिलेगा, स्कोर आगे जा चुका है 20। 5 गेंदे अभी तक शेष इस इनिंग की, टेंडी पे स्कोर है, सूर्या मास्कर सामने। पुल जरूर कर दिया है, बड़ेश इस बार देखा है लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद चली गई, गेंद को फील्ड जरूर किया है लेकिन सिंगल मिला और सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 21। सलामी बल्लेबाज इस बार स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे लेकिन इस ओवर के अभी तक का 4 बॉल शेष। मुंगा जी तैयार है, और मुंगा जी साहब वेल शॉट और सामने स्ट्रोक 6 रन के लिए। और देखिए अंपायर जाते जाते अपनी अदाकारी दिखाते हुए, और स्कोर आगे बढ़ता है 27-27। क्योंकि आखिरी ओवर है और आखिरी ओवर में मारधार इज इंपॉर्टेंट बात है। तीन बॉल अभी तक शेष इस ओवर की, सुपर फोर क्वालिफाई किया मैच है, कौन सी टीम जाएगी गाउठान उल्वे उल्वे गाउठान वक्त बताएगा। और ये देखिए हमारे चाय वाले आ चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत, पहले मेहमानों को दीजिए, इंपॉर्टेंट बात ये है। हाँ यस, जितेगर साहब जी ने कह दिया सब मंडप पिक्चर बंद, किरण पवार को दीजिए। और एक बार फिर से सिंगल मिलेगा, यहाँ डिप्स करने खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं, दूसरे के लिए भाग रहे हैं और अच्छे तरह से इस बार यह पूरा रन, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है उल्वे का 29। लॉस ऑफ 1 और आखिरी 2 गेंदे शेष। कल है संडे, होगा कल बकरे का मटन। और ये गेंद सही फेंकी और डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है, आखिरी गेंद शेष 29 पे स्कोर रुका हुआ है। अमोल नीरज इलेवन उल्वे टीम का, करण मड़वी की अंतिम बॉल शेष है। और सिंगल जरूर मिलेगा, मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई, फील्डर मौजूद है, 1 रन दूसरा पूरा। और रोहित ने गेंद को फील्ड करते समय सूर्या और अजित मुंगा जी ने रन को इकट्ठा किया, 2 रन मिले, स्कोर हो चुका है 31। और जीतने के लिए इस बार देखा जाए तो यहाँ मेरे हिसाब से गाउदी गाउठान को 32 की जरूरत है, हर ओवर के पीछे 16-16 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट है। आखिरी मैच सुपर फोर क्वालिफाई किया मैच है, शाम का टाइम आदर्श ट्रॉफी का यह भव्य आयोजन नियोजन 70-70 स्पोर्ट और 24 इवेंट लाइव इनके माध्यम से किया हुआ भव्य रबर बॉल प्रतियोगिता का यह भव्य दिव्य आयोजन नियोजन। जीतने के लिए 32 का टारगेट है।
फिलहाल प्रत्येक ओवर के पीछे 16-16 रनों का टारगेट है। इस रन रेट को पार करने के लिए अब गाउदी गाउठान की बल्लेबाजी कैसी होगी और अमोल नीरज 11 उल्वे टीम की होगी गेंदबाजी। और ये देखिए कि विवेक का कहना है कि पहले चार्ली जो था वो ज्यादा बॉल लाता था लेकिन कम नहीं, वो उसकी भरपाई और जोर से रहे। इसका टारगेट 16 ऋषि तुरमाले गांव के सुपुत्र और उनके सामने गाउठान के बल्लेबाज रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर के बाहर के खूंखार बल्लेबाज मड़वी करण मड़वी। करण मड़वी भाई साहब अरे मड़वी छक्का है क्या अट्ठे डायरेक्ट देना। कपिल देव साहब की याद आ गई कड़क मारा गेंद आया। 32 का टारगेट हर ओवर के पीछे 16-16 रन लेकिन पहले गेंद के ऊपर 6। ये देखिए मैच बॉल आया है बाएं हाथ के गए इस बार बल्लेबाज है और दाएं हाथ के गेंदबाज है। छक्के के साथ आगाज किया आरंभ किया नारियल भी टूटा और विस्फोटक स्ट्रोक सीमा रेखा के बाहर। सेकंड बॉल ऑन साइड के ऊपर इस बार गैप में गेंद है लेकिन खिलाड़ी तैनात है। एक सिंगल खतरा बच गए भाई साहब। ये तू मैं काम जब चल रहा था और इसमें घाटा भी होने वाला था लेकिन कहते हैं ना कि समय इंपॉर्टेंट बात है। स्कोर 7 आखिरी 4 बॉल शेष 32 का टारगेट चैतन्य और टपका दिया देखिए जोर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद चली गई गैप में आई है एक बार फिर से और एक और इसी के साथ ही दूसरा पूरा गुड रनिंग बिटवीन द विकेट का स्कोर आगे बढ़ता है 9 विदाउट लॉस। चाय वालों का धंधा और बड़ा हो जाए हमारी कृपा है कोच ने सासे में चेसों में क्या आता है जाओ कल भी आओ कल फ्री के दिन दो। और ये स्पेशल शॉट है क्या क्या है ये स्पेशल बाउंड्री है लगता है कि चार है कि छक्का है अंपायर बताएंगे। और 6 सामने स्ट्रोक मड़वी के बल्ले से आपके चैतन्य के बल्ले से आया है और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 15 रिक्वायर्ड रन रेट तो 16 का है लेकिन निकलने में इस बार देखा जाए कामयाब बने। 2 गेंदे शेष
ऋषि गलत महंगे साबित हो रही। दो गेंदे शेष और ये पकड़ो कैच, मिस टाइम शॉट, कैच इट। ओ भाव संभाल के कैच लपका है चैतन्य ने, आउट। और वो लगभग देखा जाए 8 रन बना के वापस जा रहे, 15 पे पहला झटका गाउदी गाउठान को। 7 गेंदे शेष और जीतने के लिए 17 रन चाहिए मुझे लग रहा है। और ये करण मडवी इस बार देखा जाए चिरले गांव के आ चुके हैं, ये करण मडवी गाउठान के हैं। करण नाम सुनने के बाद करण अर्जुन फिल्म की याद आ गई, अभी अर्जुन होता एक तो अच्छा होता। 7 में 17 चाहिए। और करण भाई, करण भाई ये कैच है क्या? पकड़ लिया क्या? चलिए तुम्हारा खेल खल्लास और भी खल्लास। और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बन चुके गाउदी गाउठान का, टोटल स्कोर 15 दो विकेट के नुकसान पे। आने वाले 6 गेंदे शेष और 17 रनों की जरूरत है। सुपर 4 क्वालिफाई किया मैच है, जो टीम जीतेगी उसको एक तो बख्शीश मिलने वाली है, जो हारेगी वो बाहर। टीम मीटिंग मत लो कृपा करके, टाइम हो चुका है। ठाकुर मैदान के अंदर आया है लेकिन गेंदबाजी की बाउंडर संभालने के लिए करण घनसोलकर आए हैं। लेकिन करण मडवी सामने, दो हार्ड हिटर बल्लेबाज गाउदी गाउठान के इस बाविशाड़ के पट्टी के ऊपर मौजूद है। लेकिन करण घनसोलकर भी क्रिकेट का उनके पास काफी तजुर्बा है, तो वो गेंदबाजी करने के लिए उन्हें इस बार कप्तान ने इस्तेमाल किया है। 6 में चाहिए 17। करण बनाम करण, किसको लगेगा करंट वक्त बताएगा। और ये गेंद देखिए, बहुत ही बढ़िया गेंद, 5 में चाहिए 17 रन। करण घनसोलकर ने इस बार देखा जाए इस करण मडवी को बीट किया। और एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर कैच इट, ए शाबाश, गुड कैच। कौन है वो? और वलवली गांव के रत्नदीप चौधरी, गुड कैच, नीचे गिर गए लेकिन काम तमाम किया। करण मडवी जैसे एक नामचीन और हार्डर बल्लेबाज को घर का रास्ता दिखाया, सुंदर कैच। जैसे सूर्या ने कैच पकड़ा था, यू टर्न लिया था भाई भारत ने, उस तरह से लगभग देखा जाए ये मैच और ये कैच महत्वपूर्ण थी मैच के लिए। और करण मडवी मैदान से बाहर, एक साइड बल्लेबाज वापस चले गए। बिल्कुल सूर्या, उन्होंने सही कह दिया था। और उसके बाद नाना जी उसका ऐसा हमें डर लग रहा था कि क्या होगा, और उसके बाद फिर जो कैच पकड़ा, और उसके बाद हिंदुस्तान की काया पलट हो गई है और तमाम करोड़वासी देशवासी नाच रहे थे। आप सभी ने देखा होगा हार्दिक की भी गेंदबाजी काफी घातक चली। और 1999 विश्व कप के बाद अभी भी दक्षिण अफ्रीका भुगत रही है, वर्ल्ड कप हमें नहीं मिल रहा है। यस, उन्होंने सही डायरेक्शन में कंप्लीट काम किया, एक को कहते ना कि एक मार्क भी था वो। सिंगल मिलेगा और परेश के पास होगी स्ट्राइक। परेश ठाकुर अभी तक मैदान के स्क्रीज के अंदर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 4 बॉल शेष है या 3 बॉल शेष, और जीतने के लिए रन चाहिए 16। 3-16 इसका मतलब एक ही छक्कों का डोला, 3 छक्के मारना ही पड़ेगा कुछ भी करके। लेकिन करण परेश ठाकुर
हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, लेकिन यह बाउंड्री है अंपायर के, चार है बाउंड्री भी है, छक्का नहीं। वो अभी तक जीतने के लिए मेरे हिसाब से रन चाहिए 2 ला 12। ये छक्का उड़ गए समझो बड़ा मजा आ जाएगा। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है और क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है। जब तक आखिरी बॉल फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में कोई भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती। इस बार ये गेंद सीमा रेखा के बाहर गया तो मैच में वापसी हो सकती है, लेकिन करण घनसोलकर के इस गेंद के ऊपर परेश ठाकुर को छक्का दागना ही होगा। छक्का ऐसा मारना पड़ेगा तभी मजा हो जाएगा, लेकिन घनसोलकर की गेंद महत्वपूर्ण है। 2 गेंदों में 12 चाहिए। ठाकुर साहब ने और ये हवा में है, क्या क्या अच्छे है। 6 महीने कह दिया ना, ये मैच यू टर्न लेने वाली है। और इस प्रकार देखिए आखिरी बॉल में चाहिए 6 महीने कह दिया। परेश ठाकुर शहनशाह मैदान के अंदर है, तो तुम गांव के सुपुत्र श्याम ठाकुर इनके सुपुत्र मैदान के अंदर है। 2 गेंदों में 10 आए। और ये छक्का आया, अब निधास ट्रॉफी में सौम्य सरकार के ऊपर छक्का ठोक के दिनेश कार्तिक ने वो कारनामा किया था, क्या आज कारनामा यही करेंगे। 1 बॉल 6 रन कंपलसरी। जैसे अगर इस गेंद के ऊपर छक्का आया तो करण घनसोलकर आज रात भर नहीं सोएगा। अगर इस गेंद के ऊपर लगभग कितने रन आएंगे देखना पड़ेगा। 1 गेंद जीतने के लिए 6 चाहिए। एक बॉल 6 रन। अगर परेश ठाकुर ने छक्का ठोका गाउदी गाउठान सुपर 4 में क्वालिफाई डायरेक्ट, उलवा बाहर जाएगी। अगर ये गेंद करण घनसोलकर सही दिमाग से फेंकता है छक्का नहीं आएगा तो गाउदी गाउठान बाहर जाएगी और यहाँ अमोल निरंजन उलवे टीम अंदर होगी सुपर 4 क्वालिफाई के लिए। 1 में चाहिए 6। परेश ठाकुर जूनियर कृष्णा 7 पुते मैदान के अंदर है और मिस टाइम शॉट है, कुछ नहीं होगा। मुंगा जी ने क्या जरूर ड्रॉप किया, लेकिन ये मुकाबला जीता अमोल नीरज 11 उलवे टीम सुपर 4 क्वालिफाई में प्रवेश कर चुकी है। वेल डन उलवे टीम, हार्ड लक गौदी गाउटान, प्रयत्न अच्छा था और गुड बैटिंग परेश जी ठाकुर। अंतिम बॉल थोड़ी ताकत कम पड़ गई है और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाएगा मनीष गरत। मनीष गरत को हम निमंत्रण दे रहे कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए आइए। अच्छा दिवस संपला ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। आणि मगाचा करण मडवीचा मैन ऑफ द मैच राहिलेला करण मडवी आपण घेऊन जायचं आहे। आणि मनीष जी आपण मैन ऑफ द मॅचच्या अवॉर्डसाठी यायचं आहे, या मॅचसाठी सुपर 4 क्वालिफाय मध्ये प्रवेश केलाय अमोल नीरज इलेवन उलवे टीम हार्ड।